सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। आबकारी नीति मामले में ईडी का छापा, अरविंद केजरीवाल बोले गंदी राजनीति के लिए अधिकारियों का समय कर रहे खराब। प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित अगले माह होंगे रिटायर्ड, उत्तराधिकारी नामित करने के लिए केंद्र ने लिखा पत्र। जामनगर व मुंबई में 120 करोड़ की एमडी ड्रग जब्त, एयर इंडिया का पूर्व पायलट गिरफ्तार। साधुओं को पीटने वाले 4 गिरफ्तार, 35 लापता, 5,000 रुपए नहीं देने पर फ्लाई बच्चा चोरी करने की अफवाह। राहुल गांधी के साथ सावरकर का पोस्ट, कर्नाटक कांग्रेस बोली किसी शरारती की हरकत केस दर्ज कराएंगे। बिहार में रेप के आरोपी की पीट पीट कर हत्या, कटिहार में 9 साल की मासूम से किया गंदा काम, पेड़ से बांध कर मारा। सांसद शिवाले का आदित्य पर तंज, कहा जब उद्धव अस्पताल में थे तब युवराज स्विट्जरलैंड में ऐश कर रहे थे। ब्रिटेन के 36 उपग्रह केंद्र 22 अक्टूबर को उड़ेगा देश का सबसे भारी रॉकेट, श्रीहरिकोटा में भरेगा उड़ान। देशमुख की जमानत अर्जी में दावा, खुद को बचाने के लिए परमवीर वाजे ने हाथ मिलाया, जाने पूरा मामला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहुपक्षवाद पर दिया जोर, बोले वैश्विक विकास के लिए विवादों का वार्ता के जरिए निकाला जाए दल। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले चेन्नई में शशि थरूर को करारा झटका, 700 में सिर्फ 12 प्रतिनिधि ही आए बैठक में। दशहरे पर कर्नाटक के मदरसे में घुसी भीड़, जय श्री राम के नारे लगाए पूजा की, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल सिद्धारमैया ने दौड़ लगाई, भूपेश बघेल बोले तैयारी करके जाना पड़ेगा। किरण बेदी ने कहा पुलिस कानून हाथ में नहीं ले सकती, गुजरात में युवकों को पीटने पर दी प्रतिक्रिया। मुंबई लोकल में सीट को लेकर भिड़ी महिलाएं, महिलाओं में जमकर मारपीट हुई, एक महिला पुलिसकर्मी घायल। इटावा में मुलायम के लिए दुआओं का सिलसिला जारी, प्रसप कार्यकर्ताएं बोले हमारे जिंदगी के दिन भला कम हो जाएं। वाराणसी में उदित राज के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ता बोले राष्ट्रपति को लेकर गलत बयानबाजी करने वाले माफी मांगे। लव ट्रायंगल में युवक की अपहरण के बाद हत्या, घर से ऑटो में बैठकर ले गए थे दोस्त, गर्लफ्रेंड समेत 3 आरोपी अरेस्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 15 फीट चौड़ा गड्ढा, लखनऊ से जा रही कार पूरी समा गई, 3 जख्मी, 20 किलोमीटर दूर बनी है एयर स्ट्रिप।
आगरा में तमंचे की नोक पर लूट, लोन की ईएमआई का कलेक्शन ले जा रहा था फाइनेंस कर्मचारी। रायबरेली में कार ने बाइक को मारी टक्कर, प्रतापगढ़ के एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। नोएडा में एक के बाद एक मुठभेड़, फिल्म सिटी के पास हुई मुठभेड़, 24 से ज्यादा दर्ज है मुकदमे। अंबेडकर नगर में केंद्रीय विद्यालय बनने को मिली मंजूरी, 27 साल बाद मांग पूरी, जिला गठन होने के बाद से उठ रही थी आवाज। जौनपुर में तीन अधिशासी अभियंता समेत तीन का वेतन रोका, डीआईओएस को कार्यशैली में सुधार लाने का दिया निर्देश। बारिश ने डाला अग्निवीर भर्ती में खलल, मुजफ्फरपुर में हुई बारिश, धूप गायब और आसमान में छाए बादल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर हुड़दंग, जिस ओवरब्रिज का पिछले महीने हुआ था शुभारंभ, उसके नीचे गाड़ियां खड़ी करके छोड़े स्काई शॉट। पुलिस ने शातिर लुटेरे को मारी गोली, गाजियाबाद से तीन मोबाइल लूट कर आया था नोएडा, 12 से ज्यादा दर्ज है मुकदमे। झांसी में लापता बच्चे की मिली लाश, खेलते हुए लापता हो गया था 6 साल का निखिल, 5 घंटे बाद मिला शव। बिजनौर में मनमोहक झांकियों के साथ निकली शोभा यात्रा, राम भरत मिलाप की लीला का मंचन। सीतापुर में मां को जिंदा जलाने वाले बेटे बहू गिरफ्तार, जमीन बेचने में रोड़ा बन रही थी, ससुर के संग मिलकर युवक ने मार डाला। संभल में अवैध शस्त्रों की नुमाइश करने वाले तीन गिरफ्तार, फायरिंग कर वीडियो बनाकर लगाया था व्हाट्सएप स्टेटस। लखीमपुर में दो सिपाही भाई बर्खास्त, 4 सालों में फर्जी दस्तावेजों से कर रहे थे नौकरी, 1.5 सालों से चल रही थी जांच। बांदा में अलीगंज रामलीला में हुआ रावण वध, श्री राम के लंकापति की नाभि में मारा तीर, जयकारे से गूंज उठा परिसर। हरदोई में 17 महीने बाद दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज, नाबालिग पीड़िता ने बच्चे को जन्मा, मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद कार्रवाई। वाल्मीकि जयंती और वारा वफात के लिए 9 जिलों में अलर्ट, बरेली एडीजी ने सभी पुलिस अफसरों और थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। फरुखाबाद के लोहिया अस्पताल के टॉयलेट में मरीज की मौत, काफी देर तक अंदर रहा जहर खुरानी का शिकार युवक। सीतापुर में अवैध संबंध में हुई थी राम लखन की मौत, प्रेमिका और उसका पति गिरफ्तार। हापुड़ में दो मासूम से की रेप की कोशिश, छत पर खेल रही थी बच्चियां, पड़ोसी बुजुर्ग ले गया अपने साथ गिरफ्तार। बहराइच पुलिस ने स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार, दिल्ली ले जा रहा था मादक पदार्थ। कासगंज में एसपी ने की क्राइम मीटिंग, महिला अपराधों पर विशेष ध्यान देने और छोटे अपराध पर शिकंजा कसने का निर्देश।
आगरा में डिप्टी सीएम की सख्ती के बाद 5 हॉस्पिटल के बेसमेंट सील, हॉस्पिटल संचालकों को दिया नोटिस। गोंडा में एसपी आकाश तोमर ने किया बड़ा फेरबदल, अभिषेक सिंह को पुलिस लाइन से थाना खरगुपुर के प्रभारी निरीक्षक की कमान सौंपी। लखीमपुर खीरी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, किसानों पर कुदरत का कहर बनकर बरस रही बारिश। राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर जारी, 24 घंटे में 42 मामले आए सामने, कई क्षेत्रों में अभी भी नहीं हो रहा छिड़काव। गाजीपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच 4 शव पहुंचाए हरसिल, अब तक 19 मौत, अब भी 10 लापता। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की मां की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में किया गया भर्ती। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, 7 जिलों में स्कूल बंद। उत्तराखंड में 26 और लोग में डेंगू की पुष्टि, अब तक 1348 मामले आ चुके हैं सामने। चोटी पर हिमस्खलन की चपेट में, बर्फ में दबे 12 और प्राशिवु पर्वत रोगियों के शव बरामद, 13 अभी भी लापता। उत्तराखंड में बारात बस दुर्घटना में 2 और शवों की पहचान, दुर्घटना स्थल की जांच हो जाएगी विशेषज्ञ समिति। अंकिता हत्या मामले में 14 दिन बढ़ी आरोपी की न्यायिक हिरासत, एसआईटी के साक्ष्यों की जांच के लिए भेजा चंडीगढ़। यूट्यूबर बाबी कटारिया को घेरने को पुलिस की रणनीति फिर फेल, दिल्ली कोर्ट के एफिडेविट जमानत पर छूटा बाबी। रुड़की में दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को पीटा, दिया 3 तलाक, पति समेत ससुरालियों पर मुकदमा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में ज्वेलर्स के घर में लूट का प्रयास, दंपति पर बदमाशों ने हमला कर किया घायल। केदारनाथ यात्रा में हेली टिकटों पर हो रहा बड़ा झोल, 3 दिन चक्कर काटने के बाद बिना दर्शन किए लौट रहे यात्री। उत्तराखंड में सिविल पुलिस सौंपे जाएंगे पर्यटन गतिविधियों वाले राजस्व क्षेत्र, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश। उत्तराखंड के नानकमता में 10 साल की बिटिया को उठा ले गया तेंदुआ, गन्ने के खेत में मिला शव। पाकिस्तान से 150 जायरीन का जत्था पहुंचा रुड़की, कड़ी सुरक्षा के बीच लाया गया कलियर। नैनीताल जंगल में मिला झारखंड के पर्यटक का कंकाल, 1.5 महीने पहले रिजॉर्ट में हुआ था लापता। अमेरिका में गांजा पीने या रखने के लिए अब नहीं जाना होगा जेल, बाइडेन ने दिया हजारों लोगों की रिहाई का आदेश।
यूएनएचआरसी ने भारत ने नहीं किया चीन के खिलाफ वोट, खारिज हुआ उइगर मुसलमानों पर लगाया गया प्रस्ताव। यूएस कोर्ट ने ट्विटर एलन मस्क के ट्रायल पर लगाई रोक, डील के लिए दिया 28 अक्टूबर तक का समय। जकार्ता पहुंचे राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, दक्षिण कोरिया नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष से की मुलाकात। बाढ़ झेल रहे पाकिस्तान के पीएम का बड़ा बयान, कहा अमीर देशों के सामने भीख का कटोरा लेकर नहीं जाएंगे। मारिजुआना को लेकर बाइडेन सरकार का बड़ा फैसला, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा गांजा पीने या रखने के आरोपी जेल से रिहा किए जाएंगे। ताइवान की चीन को दो टूक, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा चीनी एयरक्राफ्ट सीमा में घुसे तो अब जवाब जरूर देंगे। फ्रेंच राइटर एनी को मिला लिटरेचर का नोबेल, कमेटी ने एनी के लेखन में साहस संवेदना संगम भाषा में बहुत आसान। यूक्रेन संकट पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेताया पुतिन की परमाणु धमकी कोई मजाक नहीं, मैं जानता हूं उनको अच्छे से। थाईलैंड में बच्चों के स्कूल पर अंधाधुंध फायरिंग, 36 की मौत, हमलावर ने सुसाइड से पहले की पत्नी और बच्चे की हत्या। जियो एयरटेल का सरकार से सवाल, ओटीटी और मोबाइल टेलीफोन फोनी से ज्यादा फर्क नहीं, फिर नियम अलग क्यों। एयरटेल 5G प्लस सर्विस लॉन्च, दिल्ली मुंबई समेत 8 शहरों में 5G सर्विस शुरू, सिम बदलने की जरूरत नहीं। सितंबर में 53,000 से ज्यादा ट्रैक्टर बिके, बिक्री में टॉप 6 राज्यों की जिम्मेदारी, 75% से ज्यादा। रुपए का नया रिकॉर्ड, डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल इंडिया टाइम लो 42.32 पर पहुंचा, इंपोर्ट से लेकर अमेरिका में पढ़ना महंगा। आईएमएफ चीफ बोली 2026 तक वैश्विक उत्पादन में $4 ट्रिलियन के नुकसान की उम्मीद। अर्थशास्त्री बोले भारतीय अर्थव्यवस्था लचीली, ओपेक तेल उत्पादन में कमी से प्रभावित नहीं होगी। बिकवक्र रेटिंग्स इंडिया पर नियमों के उल्लंघन का आरोप, क्रिप्टो करेंसी के बाजार में हरियाली, बिटकॉइन 0.1% और एथेरियम 0.96% मजबूत हुआ। सिटी बैंक के अफसर बोले भारत को वैश्विक निर्माण हब के रूप में देख रही बहुराष्ट्रीय कंपनियां। रिलायंस को ग्लोबल बनाने की तैयारी, सिंगापुर में फैमिली ऑफिस खोलने जा रहे मुकेश अंबानी। अर्जेंटीना में भिड़े फुटबॉल फैंस, पुलिस ने गोलियां और आंसू गैस के गोले दागे, एक की मौत। लियोनेल मेसी ने किया संन्यास का ऐलान, बोले कतर वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा।
हार के बाद बोले संजू सैमसन, कहा अगले मैच में दो बड़े शॉट की भरपाई करने की कोशिश करूंगा। भारत को डेथ ओवरों के गेंदबाज की जरूरत, हरभजन ने कहा चहर को मिलनी चाहिए भूवि पर तरजीह। वर्ल्ड कप से पहले लगा न्यूजीलैंड को झटका, चोट के कारण ट्राई सीरीज से बाहर हुए डेरिल मिचेल। रोमांचक मैच में 9 रन से हारा भारत, संजू सैमसन की 86 रन की पारी भी नहीं जीत दिला पाई साउथ अफ्रीका सीरीज में 1-0 से आगे। कुलदीप ने बाबर के विकेट की याद दिलाई, आखिरी बॉल तक लड़े सैमसंग लॉर्ड शार्दुल की खतरनाक बॉल पर बोल्ड हुए बाबूमा। विमेंस एशिया कप में बड़ा उलटफेर, थाईलैंड ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हराया, इस टूर्नामेंट में पहली जीत। भारत को हराकर दक्षिण अफ्रीका ने पूरा किया जीत का अर्धशतक, टॉप 5 में बनाई जगह। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरभ गांगुली की विदाई तय, रोजर बिन्नी बने इस पद के नए दावेदार। बिग बॉस 16 का नया प्रोमो, घर में होगी सलमान खान की एंट्री, अब्दू रोजिक के लिए लेकर आएंगे खास तोहफा। आदि पुरुष पर लगे इस्लामीकरण के आरोप, सर्व ब्रह्मांड महासभा के डायरेक्टर ओम राउत को भेजा नोटिस। चहल ने उड़ाया धनसिरी की खूबसूरती का मजाक, वीडियो शेयर कर कोरियोग्राफर बोली इसमें कोई सच्चाई नहीं। फोन भूत मोशन पोस्टर आउट, 10 अक्टूबर को रिलीज होगा ट्रेलर, कैटरीना कैफ ने शेयर किया वीडियो। जयपुर पहुंची परिणीति चोपड़ा, हार्दिक संधु के साथ किया कोड नेम तिरंगा का प्रमोशन। नहीं रहे एक्टर अरुण वाली हुआ निधन, न्यूरो मस्कुलर बीमारी से जूझ रहे थे। ऑस्कर कैंपेन में आरआर की धमाकेदार शुरुआत, बेस्ट डायरेक्टर के लिए राज मौली को किया गया नॉमिनेट। अनन्या पांडे का इंडियन लुक, ड्रीम गर्ल 2 की शूटिंग पर वापस लौटी, वीडियो शेयर कर फैंस को दी जानकारी। गुड बाय का प्रमोशन करती दिखी रश्मिका मंदाना, व्हाइट टॉप ब्लू जींस में दिए पैपराजी को पोज। सोहा अली खान की बेटी इनाया ने मनाई नवरात्रि, पूरे 9 दिन की मां दुर्गा की पूजा, बच्ची की श्रद्धा और भक्ति ने जीता फैंस का दिल। प्राइम शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प।